दोस्तों, महादेव भगवान शिव तथा उनकी महिमा पूरे संसार में विख्यात है। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे दिव्य नागिन के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो 3 महीने से एक ही स्थान पर बैठकर देवों के देव महादेव की तपस्या कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बात है दिल्ली के रेवला खानपुर गांव की, जहाँ 3 महीने से एक ही स्थान पर बैठकर ये नागिन तपस्या कर रही है, महादेव की पूजा कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, दिल्ली के रेवला खानपुर गांव के पास एक नागिन 3 महीने से ज्यादा एक ही जगह पर बैठी हुई थी और ये नागिन ना वहां से हिलती और ना ही वहां से कहीं जाती थी। नागिन को एक ही जगह पर कई महीनों से बैठा देख लोगों को ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगा, तो गांव के लोगों ने तो उसके लिए एक चलता फिरता शिवजी का मंदिर भी बनवा दिया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये नागिन तपस्या कर रही है। दोस्तों, महादेव के इस चमत्कार को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग नागिन के दर्शन करने के लिए आने लगे और उसकी पूजा करने लगे। कई भक्तों ने तो नागिन के लिए कच्चा दूध तथा फल भी चढ़ाए। जिसने महादेव के इस चमत्कार को देखा वो नतमस्तक हो गया। बड़े बड़े शिव भक्त भी इस नागिन को देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि ऐसी शिव भक्ति आज तक हमने कभी नहीं देखी। आज साक्षात इस नागिन को देख हम महादेव के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि इस नागिन ने किसी को भी किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। श्रद्धालु बड़े ही भाव से नागिन के सामने माथा टेक कर अपने दुखों के निवारण के लिए नागिन से प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, चमत्कार तो तब हुआ जब उसी स्थान पर एक मंगल नाम का व्यक्ति अपनी गायों के साथ बैल को लेकर वहां से गुजर रहा था। तभी वो नागिन मंगल के बैल के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। ये सब देखकर मंगल बहुत डर गया। उसे लगा कि नागिन आज मेरे बैल को मार डालेगी। जैसे ही मंगल उस नागिन को मारने के लिए अपना डंडा लेकर आगे बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। मंगल जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। मंगल देखता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं था। मंगल घबराते हुए अपने बैल की तरफ देखता है, वो नागिन बिल्कुल उसके सामने थी। बैल के सामने बार बार अपना फन ऊपर नीचे कर रही थी, मानो जैसे वो नागिन उस बैल को दंडवत प्रणाम कर रही हो। मंगल ये सब देखकर समझ गया था कि ये कोई साधारण नागिन नहीं है। मंगल तुरंत भागा भागा पास के गांव में गया, वहां के लोगों को पूरी घटना बताई तो गांव वालों ने कहा कि भाई, ये नागिन पिछले 3 महीने से वहीं एक स्थान पर बैठी हुई है और तपस्या कर रही है। मंगल की जिद करने के बाद गांव के ही 3-4 लोग उसके पास उसी स्थान पर गए जहां वो नागिन तपस्या कर रही थी। उन लोगों ने देखा कि वो नागिन उस स्थान पर नहीं है। ये सब देख वो लोग भी हैरान हो गए, आखिर आज नागिन कहां गई। तब उनके साथ एक बुजुर्ग ने कहा कि शायद आज नागिन की तपस्या पूरी हो गई, इसलिए उसने अपना स्थान छोड़ दिया और कहीं और चली गई। दोस्तों, गांव वालों का कहना है कि उस दिन के बाद आज तक नागिन को किसी ने कभी नहीं देखा, किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो नागिन किसी दूसरे स्थान पर तपस्या करने के लिए गई है या फिर नहीं, हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियां, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।